ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को बहुत ही सुंदर महावाक्य के द्वारा बच्चों को शिक्षा दिए हैं, समझ दिए हैं, तो हम सभी भाई बहने इसके ऊपर में चिंतन करेंगे। आज का मुरली का पॉइंट भाई जी बोलिए। अजय भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए भाई जी। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिलता है जी, और श्रापित आत्माएं भिखारी व कंगाल बन के नीचे उतरती जाती हैं। और लोग समझते हैं कि बाबा सबके अंदर का कर्म विकर्म को जानने वाला है, जबकि ऐसा है नहीं। तो जी बाबा समझा रहे हैं जी कि सभी आत्माएं परम धाम से आकर अपना अपना पार्ट बजाती, सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है और उसी के पूरे को अपना पार्ट अदा करती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी बनने से बाप से वर्षा मिलता है, जबकि देह अभिमान होने से रावण का श्राप मिलता है। और आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। पारस बनती है। बाबा को याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। और बाबा कह रहे हैं कि रहम दिल बनके रहम दिल बन सबका कल्याण करना है, परिवार वालों से कांटेक्ट रखना है, ख्याल छोड़कर एक बाप की याद में रहने का ही पुरुषार्थ करना है। जी स्लोगन में बाबा बोल रहे हैं कि निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर देना है। जी भाई बहुत सुंदर वरदान प्यारे बाबा बोले हैं कि जो गलती समाने की शक्ति द्वारा बाबा बोले विश्व परिवर्तक होगा। जो गलती अगला अगर गलती अगला से गलती हो रहा है तो बाबा कहते हैं उसको संभालो, आपको गलती नहीं होना, मैं सदा राइट रहूंगा, ये पूरा पूरा अटेंशन रखो बाबा बोले, हमें कभी भी गलती नहीं करना है ना। बाबा बोले अगला जो गलती कर रहा उसको भी संभाना है और संभाल करके बाबा कहते सदा मैं राइट हूँ और मैं सदा राइट रहूंगा। इस तरीके से बाबा बोले कि सदा हमें राइट ही रहना है, तभी हम दूसरी आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं और बाबा बोले विश्व परिवर्तन का कार्य संभव हो सकेगा। ये मीठे बाबा बच्चों को समझाए हैं। जी भाई जी जी बहुत सुंदर भाई जी। ओम शांति। आगे का आज का मनन चिंतन राकेश भाई बोलेंगे। आज का बाबा का मुरली का पॉइंट बहुत ही सुंदर बाबा का महावाक्य है, आज का चिंतन बोलेंगे राकेश भाई। ओम शांति सभी भाई बहनों को। बाबा आज सार में बोले हैं कि सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनास्टी नहीं है और इसीलिए देही अभिमानी स्थिति बनाओ और बाप से वर्षा लो जी। और फिर वो माया का सब लगता है जब द्वापर युग है ना, कलयुग पे लगता है और जब जब बाप श्रीमत देते हैं फिर भी हम उस पर नहीं चलते हैं तब माया का जो ये है वो लगता है। और हाँ, और हमें हमें दृष्टि वृत्ति सभी से पावन बनना है, पावन बनना है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां भाई बहन हैं, इसलिए विकार की दृष्टि तो क्या संकल्प भी नहीं जा सकता, नहीं चल सकता है। यही सबसे मुख्य धारणा है ब्रह्म कुमार कुमारियों का। जी हाँ हाँ बहुत सुंदर। फिर बोले कि बाप का फरमान है कि बच्चे एक जन्म कम से कम संपूर्ण पवित्र बनो, यही एक अंतिम जन्म है और जिससे कि तुम्हें और भी राजाई प्राप्त होगी। और अभी बाप बोले कि कितना हम
वर्ल्ड में ऐसा होता है कि सारे धर्म को एक साथ जोड़ लें और एक ही धर्म में चलें। हाँ, सारे तो दुनिया के लोग ये कॉन्फ्रेंस करते, पूरी विश्व मिलकर के एक हो जाए, लेकिन बाबा बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कार्य केवल बाप का ही है। जब अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, ये परमपिता का ही कार्य है, ये बाबा बोले हैं। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट? और बोले कि कई बार बाबा आज बोले विनाश का बात कि मीठे बच्चे ये दुनिया मतलब खत्म होनी है, हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, इसके पहले तुम सफल कर लो, सब कुछ कर लो। रोज बाबा मुर्दिम बोलते हैं, जो बच्चा आज तो पाएगा। आज बहुत बार बोले हैं विनाश के बारे में, बहुत ज्यादा इस पर गौर किए हैं जी। हाँ, और एक चीज जो सबसे मेन चीज है कि कई बार होता है कि हम लोग जब ज्ञान में आते हैं तो घर या फिर घर के मतलब लौकिक परिवार के, मतलब बना लेते हैं परिवार में या फिर हाँ दोस्तों के साथ जो हमारे लौकिक दोस्त है, तो क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे वेयर हो गया है, कि एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि हम जब ज्ञान सुनने लगते हैं तो कोई और सब सुनने का या फिर और कुछ बात करने का उतना ज्यादा मन नहीं करता है, लेकिन बाबा बोलते सेवा और कांटेक्ट में जरूर आना है, संपर्क जरूर रखना है, सभी से जुड़े रहना है ताकि हम उनकी सेवा कर सके, ये बाबा का कहने का भाव था। तो ये ना कहेंगे ये तो एकदम अलग हो गए जैसे। हमको कि हम तो शांत है, हमको उतना ज्यादा बोलना नहीं है, वाचा में नहीं आना है, लेकिन उन लोग को लगता है कि हम शायद अवेयर में हम लोग पूरे तरह से हम लोग उससे नाता तोड़ रहे हैं, तो ये नाता नहीं तोड़ना है और सबसे बात करना है, तभी तो हम अपने ज्ञान को दूसरे को दे सकेंगे। जितने लोगों का सर्कल में आएंगे उतना फायदा है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम्हें सब जगह जाना चाहिए, सब लोगों से कांटेक्ट रखो, ताकि जितने आत्मों के संपर्क में जाएंगे उतने आत्मों का आप सेवा के निमित्त बनेंगे, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो जाएगा। हाँ, और एक पॉइंट है कि कई बोले कि पावन बनने में हमें कभी सुस्ती नहीं आना चाहिए, और ये हाँ, और सुस्ती हमको लगता है आलस्य अलबेलापन ये छठा विकार है, 100% विकार होता है आलस से, सब कुछ जान ले फिर भी इग्नोर करते हैं, तो इसको आलस ही कहेंगे ना। और ये विकार हम कई बार हम मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि और सारे विकार को लाता है, काम विकार को भी, जैसे कि हम बिना काम का हम कुछ सो रहे हैं, तो इससे सही है, तो ये हमें छठा जो है ये विकार सुस्ती इसे भी खत्म करना है। 100% ये बहुत बड़ा विकार है सुस्ती, और जो भी ब्राह्मण है, जो भगवान के पुरुषार्थी स्टूडेंट, उनके जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। हर एक लोगों को इस सुस्ती विकार को जीतना चाहिए, अलर्ट बनना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा अलर्टनेस इस विंटर सीजन में ही हम लोग को चाहिए। अभी ठंड का प्रकोप इतना बढ़ेगा कि कई बीके जो है सब फेल हो जाएंगे, अच्छे अच्छे बीके अमृत मिला नहीं करते, मुरली नहीं सुनते, अरे कभी भी सुन लेंगे, कभी भी देख लेंगे, तो उसका मार्क्स बाबा माइनस करेंगे। जो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हैं, बाबा का आज्ञा अमृत बेला का और मॉर्निंग का मुरली का क्लास जो अटेंड करेंगे उसका 100% मार्क्स जमा होता है, और उसके बाद जो करते हैं उसका फिर उनकी भावना, उसका फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस भावना से करते हैं। बाकी मॉर्निंग का तो माइनस होगा ही होगा उनका। फिर बोले हैं कि जैसे कि दूसरे की गलती को मत देखो, या फिर मान लीजिए देख रहे हैं तो उसको नोट्स मत करो कि ये गलती कर, तो उसको क्या करना है कि कोई भी गलती कर रहा है या फिर कोई गलत बोल रहा है तो उसको समाने की शक्ति उस टाइम हमें यूज करनी है, उसे सब कुछ हमें बाबा बोले सहयोग से, उसके बाद उसे सहयोग की जो सहयोग का नोट्स देना है, जिससे कि उनका एक्चुअली कोई भी जब कोई दूसरा टाइप का व्यवहार करता है, यानी कि वो अभी कमजोर आत्मा है, कमजोर है, तो हम जब तक उसे सहयोग ना दे तब तक उसकी आत्मा को थोड़ा पॉजिटिविटी नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना संस्कार चेंज भी नहीं कर सकती।
चेंज नहीं कर पाए, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें सहयोग देना है, सहयोग देना, हमें संभाल लेना है सब कुछ, हमें कोई भी बात है ना ऐसे तैसे बात सबको संभालना है। बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर, हमें हर एक की बात को समाना है। मैं और मेरेपन को समाप्त करके, मैं और मेरेपन को जो समाप्त करेंगे, बाबा बोले इसको बेहद में कन्वर्ट करो। अगर निरंतर योगी बनना है तो मैं और मेरे को बेहद में कन्वर्ट करो। सारा संसार ही मेरा है, कोई पराया नहीं है। हर एक आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, ये परम पिता सिखा रहे हैं बच्चों को। जी जी, तो यही था आज का सार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बाबा का, बहुत सुंदर आप सभी भाई बहनों का चिंतन रहा, और प्यारे बाप दादा वरदान और ब्लेसिंग सभी को देंगे जो इतना आज्ञाकारी होकर के रहते हैं।